वही पालने के बाद वाला ही सीन था दयांडी में, गए जहाँ बोला गया चकोर ने कि यार दिल की बात बता दो, प्यार से बताना कि उसे एहसास होना चाहिए कि तू उससे सच्चा प्यार करती है। तो वैसा सब कुछ हुआ और उसके बाद ही कट टू देखते हैं कि पालना जल गया। तो बस यही फ्रस्ट्रेशन है कि चकोर कौन है, हु इस चकोर, उसका असली रूप क्या है, वो चाहती क्या है। तो बस यही सब फ्रस्ट्रेशन निकाली है मैंने उसके ऊपर और फाइनली अब मेरे और चकोर के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम एक दूसरे को बहने नहीं मानते, पहले मैं हमेशा ये कहती थी, बट आज से चकोर ने भी कह दिया कि ठीक है अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बिकॉज रागिनी हैज ऑलवेज बीन स्वीट टू मी, मुझे हमेशा कहा है कि तुम अपने पति से प्यार नहीं करोगी तो किससे करोगी, तुम्हें अपने पति से प्यार करना चाहिए या इजहार कर देना चाहिए और उसमें कुछ गलत नहीं। तो रागिनी हमेशा मेरे साइड ही थी तो कभी कुछ डाउट नहीं आया। आई थिंक सम ऑफ द अदर डे मुझे पता चलेगा ही कि चकोर इज नॉट एट फॉल्ट, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। बट वो दिन कब आएगा वो मुझे नहीं पता, बट श्योरली शायद आएगा। ऐसे तो नहीं हम लड़ते झगड़ते रहेंगे।